रावण की बहिनी सुरपणकारा, रावण की बहिनी सुरपणकारा, रावण की बहिनी सुरपणकारा, रावण की बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस आईनी सुरपण जुगल कुमारा सुरपणका गई। और जैसे सुरपणका आई राम जी के पास में जाकर कहने लगे, तुम सम पुरुष ना मो सम नारी, तुम सम पुरुष ना मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी, तुम सम पुरुष आकर के कहने लगी, तुम्हारे जैसा पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा। राम जी ने कहा, ये तो सब कहते हैं कि राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना पूरी दुनिया में ढूंढ लोगे तो भी मिलने वाला नहीं है। तो राम जी ने कहा, ये तो सब कहते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं है, लेकिन अगली पंक्ति में कह दिया इसने, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है तो मेरे जैसी सुंदर नारी भी इस दुनिया में कोई नहीं है, और सुनो मुझसे शादी कर लो। राम जी समझ गए ये हमारे भारत के नहीं है, ये विदेश से आई है, क्योंकि भारतीय नारी कोई पुरुष पसंद भी आ रहा होगा ना तो जाते से ही नहीं कहते कि मुझसे शादी करो, कहेगी क्या बताइए। ये हमारे देश की संस्कृति है, ये हमारे देश के संस्कार है कि अगर कोई पुरुष अच्छा भी लग जाएगा ना तो जाते से ही उसको नहीं कहते कि सुनो मुझसे शादी करो। ये सुरपणका आई और आते से राम जी से कहने लग गई, मुझसे शादी करो। राम जी समझ गए, भैया ये तो विदेश से आई है, और वास्तव में सुरपणका थी भी हमारे भारत की नहीं, विदेशी महिला थी, विदेश से आई थी ना, कहाँ से? हाँ विदेश से तो आई थी, लंका से आई थी। आते से कहने लगे मुझसे शादी करो। राम जी ने कहा, सीता चिताही कही प्रभु बता, सीता चिताही कही प्रभु बता, आही कुमार मोर लघु भ्राता, आही कुमार मोर लघु भ्राता। भगवान ने कहा, ये जो स्त्री दिख रही है ना, जानकी जी की तरफ इशारा करके कहा, ये जो स्त्री दिख रही है ना, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है, मेरा तो विवाह हो चुका है, और वो जो सामने दिख रहा है ना तुम्हें, आहि कुमार मोर लघु भ्राता, वो जो मेरे सामने दिख रहा है ना, मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण, ये कुमारा है। लक्ष्मण जी तलवार घिस रहे थे, लक्ष्मण जी ने कहा, ये भैया को अच्छी मजाक सूझी आज, क्या लक्ष्मण जी कुमारे थे बताइए। लेकिन स्पष्ट लिखा हुआ है कि राम जी ने कहा कि आहि कुमार मोर लघु भ्राता, बताइए लक्ष्मण जी कुमारे थे क्या? फिर राम जी ने ऐसा क्यों कहा कि आहि कुमार मोर लघु भ्राता? आपको पता है ये जो थी ना सुरपणका,
ये भी कुमारी नहीं थी, लेकिन राम जी के पास आते ही क्या कहने लगी, ताते अब लगी रहूं कुमारी। आते से कहने लगी कि मैं कुमारी हूँ, जबकि ये कुमारी नहीं थी, ये विधवा थी। शूर्पणखा, इसके पति को रावण ने मार दिया था, तो कौन हुई? विधवा हुई ना। तो लेकिन इसका पति इसके साथ में नहीं है, इसलिए ये खुद को क्या बता रही है? कुमारी। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं, भैया आज पगला तो नहीं गए, मेरा विवाह तो एक ही मंडप पर भैया के साथ में, चारों भाइयों का विवाह हुआ था हमारा, और भैया कह रहे हैं कि ताते अब लग, भैया कह रहे हैं कि आई कुमार मोर लगुबरा था, ये क्या हो गया आज? भैया को मजाक सोच, अच्छा बताइए राम जी ने झूठ बोला क्या? राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्या झूठ बोल सकते हैं? तो राम जी ने ऐसा क्यों कहा कि आइए कुमार मोर लघुबरा था? मैंने अभी आपसे कहा कि शूर्पणखा का कुमारी नहीं थी, विधवा थी, लेकिन पति साथ में नहीं है, तो क्या कह रही है? मैं कुमारी हूँ। तो लक्ष्मण जी के साथ में भी पत्नी नहीं है, तो लक्ष्मण जी भी कौन हुए? लक्ष्मण जी के साथ में पत्नी नहीं, तो लक्ष्मण जी भी कुमार। जाने लगी लक्ष्मण जी के पास में और जाके कहने लगी, सुनो मुझसे शादी करो। लक्ष्मण जी जंगल है, इसलिए तलवार घिस रहे हैं, और तलवार घिसते घिसते देखा नहीं शूर्पणखा की तरफ, बस नीचे गर्दन है, शूर्पणखा सामने खड़ी है, गर्दन नीचे है लक्ष्मण जी की, तलवार घिस रहे। शूर्पणखा से कहते हैं, सुंदरी सुन में उनका दासा, 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 उदासीन नहीं तोर सुपासा, सुंदरी सुन में उनका दासा, उदासीन नहीं तोर सुपासा, सुंदरी सुन में। लक्ष्मण जी तलवार घिसते घिसते कह रहे हैं, हे सुंदरी। और जैसे ही शूर्पणखा को लक्ष्मण जी ने कहा हे सुंदरी, क्या कहा? सुंदरी। जैसे ही शूर्पणखा को सुंदरी कहा, शूर्पणखा ने कहा, सुनो ना एक बार मेरी तरफ देखकर सुंदरी बोलो ना। लक्ष्मण जी ने मन ही मन में कहा, बेटा मैं जब तक तेरी तरफ नहीं देख रहा तभी तक तू सुंदरी है, जैसे ही मैंने तेरी तरफ देखा कि तू बंदरी बनी, कट जाएंगे ना, नहीं देख रहा तो तभी तक सुंदरी, देखते ही तू बंदरी बन जाएगी, इसलिए नहीं देख रहा जो भी बढ़िया है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, सुंदरी सुन में उनका दासा, हे सुंदरी मैं तो उनका दास हूँ, और दासों से क्या शादी करनी? और वो जो तुझे दिख रहे हैं ना, प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, वो तो राजा है, और मैं उनका दास हूँ, और नौकरों से दासों से क्या विवाह करना? विवाह करना है तो उनसे करो। तो शूर्पणखा कहती है, उनके पास गई थी, उनके तो पत्नी पहले से है, उनका तो विवाह पहले से हो चुका है, उनकी तो पत्नी साथ में है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, तो क्या हुआ अगर पत्नी साथ में है? हमारे पिताजी ने तो तीन तीन रखी है, तो क्या हमारे भैया दो भी नहीं रख सकते? हमारे पिताजी के तो तीन तीन थी, हमारे पिताजी के तो तीन है, तो क्या हमारे भैया दो भी नहीं रख सकते? इसीलिए जाओ उन्हीं के पास में जाओ। और जैसे शूर्पणखा ने सुना, बोला ये तो बड़ा समझदार है, दौड़ करके राम जी के पास में गई। राम जी ने कहा, क्या हुआ? तो कहती है कि वो जो तुम्हारा भाई है ना, छोटा वाला लाल टमाटर, वो बड़ा समझदार है, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई है उसने मुझे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है। बोले क्या? बोले आप राजा हो और वो दास है, बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा समझाया मुझे, मैं उससे नहीं, मैं आपसे विवाह करूंगी। राम जी ने जानकी जी की तरफ देखा, तो शूर्पणखा ने सोचा कि हम दोनों के मिलन में ये स्त्री बाधा बन रही है। तो शूर्पणखा खाने के लिए दौड़ी माँ सीता को, और जैसे खाने के लिए माँ सीता को दौड़ी, सो
तुरंत राम जी ने कहा रुको 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 रुक रुक जा देवी रुक जा मत खा। कोई कितना भी बढ़िया बन के आ जाए, कोई अगर आपको आप अगर किसी इंसान का दो मिनट में पता लगाना चाहते हो ना इसका स्वभाव कैसा है ये इंसान कैसा है तो एक बार उसको किसी के ऊपर क्रोध करते हुए देख लेना, समझ में आ जाएगा कि इंसान कैसा है। तो बनकर तो सुंदर आई थी लेकिन दो मिनट में अपनी असली वाली पर आ गई। खाने के लिए दौड़ी जाने की जी को राम जी ने कहा देवी रुक 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 मत खा रुक जा जा मैं कह रहा हूँ मेरे भाई से वो तुझसे शादी कर लेगा वो तुझसे विवाह कर लेगा जा। तो कहने लगी जल्दी बोलो सुरपणखा को नाक कान कटवाने की जल्दी थोड़ी ज्यादा ही है कि राम जी से कहते जल्दी बोलो। तो जैसे ही जाने लगी लक्ष्मण जी ने राम जी की तरफ देखा तो राम जी ने इशारा कर दिया कौन सा शादी का क्या हाँ राम जी ने इशारा कर दिया क्या इशारा किया ये और ये दोनों उड़ा दो। और जैसे ही सुरपणखा गई लक्ष्मण जी के पास में तो लक्ष्मण जी के पास में जाकर के कहने लगी सुनो तुम्हारे भैया ने कह दिया मुझसे शादी करने के लिए करो मुझसे विवाह। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है भाई भैया ने कह दिया तो तुमसे शादी कर लूंगा लेकिन हमारे हिंदुस्तान में विवाह होने से पहले कुछ रीति रिवाज होते हैं कुछ रीति रिवाज हमारे यहाँ पर होते हैं। हल्दी लगाई जाती है मेहंदी लगाई जाती है दुल्हन को सजाया जाता है। सुरपणखा ने कहा इतना टाइम नहीं है जल्दी शादी करो इतना टाइम नहीं है मेरे पास। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है तुम्हें ये सब रिवाज नहीं करने पर एक रिवाज तो निभाना पड़ेगा कौन सा बोले सिर पर मोड़ तो बांधना ही पड़ेगा। मोड़ जानते हो हाँ आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको सेहरा सेहरा तो दूल्हे को लगता है अच्छा वो भी मोड़ हमारे राजस्थान में कहते हैं उसको मोड़ अच्छा बोलते हैं आपके यहाँ भी। तो कहा कि तुम्हें मोड़ तो बांधना ही पड़ेगा उसने कहा ठीक है जल्दी से लेकर के आओ। लक्ष्मण जी ने कहा यहाँ बैठ जाओ मैं भीतर से मोड़ लेकर आता हूँ। सुरपणखा को बिठा दिया लक्ष्मण जी अंदर गए भीतर गए कुटिया में और एक लप लपाती हुई तलवार लेकर के आए कठोर वाली नहीं लाए सीधी तलवार नहीं लाए क्यों क्यों नहीं लाए बताओ आप बताओ ऐसी लप लपाती तलवार क्यों लाए। हाँ अगर एकदम सीधी तलवार लाते तो या तो नाक ही कटती या एक कान कटता है ना इसलिए लप लपाती हुई तलवार लेकर के आए लक्ष्मण जी। सुरपणखा ने कहा जल्दी बांधो। लक्ष्मण जी ने कहा रुको बिठाया पास बिठाया नीचे और ऐसे करके सुरपणखा के सिर पर उस तलवार को बांधा और तलवार को बांध करके ऐसे करके नीचे लाए और सुरपणखा के नाक कान काट दिए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। और जैसे नाक कान काटे भागी चिल्लाई दौड़ी खरदूषण त्रिसरा के पास गई। खरदूषण त्रिसरा आए अपनी 14,000 सेनाओं को लेकर के और राम जी ने ऐसी माया रची कि सब एक दूसरे से लड़ कर के मर गए। अब ये दौड़ करके रावण के पास गए रावण से जा करके कहने लगी सुनो भैया मेरी नाक गई सो गई अब अपनी नाक संभालो तुम। क्या कह रही है कि मेरी नाक गई सो गई अब अपनी नाक संभालो तुम और जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम रखा लो तुम। बड़े क्रोध में गई नाक से खून बह रहा है कानों से खून बह रहा है। रावण ने कहा क्या हुआ बहन जी कहां से अपनी नाक कटवा कर आई हो कहां नाक कटवा के आई हो जरा रुको सबर करो
ऐसा कहते हैं संत लोग, ऐसा मैंने सुना है कि सूर्पणखा के शरीर का मेडिकल परीक्षण हुआ। क्या हुआ? मेडिकल परीक्षण। और जब मेडिकल परीक्षण हुआ ना, और जब रिपोर्ट आई उसके शरीर की, जब सूर्पणखा के शरीर का मेडिकल परीक्षण हुआ और जब रिपोर्ट आई, तो वैद्य ने आकर के जानते हो क्या बताया? डॉक्टर आकर के कहता है महाराज रावण से, महाराज आपकी बहन की रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट ये कहती है कि आपकी बहन के नाक कान किसी ने भी जबरदस्ती नहीं काटे, इन्होंने बड़े प्यार से बैठ कर के कटवाए हैं। जबरदस्ती नहीं काटे, आराम से इन्होंने कटवाए हैं। और बात भी तो सही है, जबरदस्ती थोड़ी काटे थे, प्यार से बैठकर कटवाए थे। जैसे आकर के कहा रावण के सामने कि इनकी जबरदस्ती नहीं काटे, कटवाए हैं इन्होंने, तो रावण ने कहा कैसी मूर्ख बातें करते हो, कौन अपने नाक कान कटवाएगा? तो डॉक्टर ने कहा महाराज अगर इनके जबरदस्ती नाक कान काटते तो ये इधर भागती उधर भागती, कहीं भागती तो शरीर पर और कहीं खरोच भी तो आती, पर शरीर पर एक भी निशान नहीं है, एक भी खरोच नहीं है, बराबर में नाक और कान कटे हुए हैं। बस इसका मतलब इन्होंने प्यार से बैठ करके कटवाए हैं। रावण ने कहा किसने करा ये दुस्साहस? उसी समय सूर्पणखा कहती है वन में दो राजकुमार आए हैं, साथ में एक स्त्री भी है, उन्हीं राजकुमार एक छोटे राजकुमार ने मेरे नाक कान काट दिए। तो कहा कि तुम क्या खरदूषण त्रिसरा के पास नहीं गई थी? सूर्पणखा गई, कहने लगी गई तो थी, पर मेरे देखते ही देखते उनका उनके शरीर से तो धुआं निकल गया, मर गए। बोले अच्छा, अब रावण समझ गया कि खरदूषण को मारने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता। खरदूषण मौसम बलवंता, खरदूषण मौसम खरदूषण तो मेरे समाल बलशाली है, अगर उनको मारा है तो इसका मतलब भगवान श्री राम का धरती पर प्राकट्य हो चुका है। रावण ने सोचा मैं इस तामसी शरीर से भजन करके भगवान को नहीं पा सकता, इसीलिए मैं भगवान से बैर करूंगा, मैं भगवान से वैर करूंगा और अपने पूरे राक्षसी कुल का उद्धार करवाऊंगा। उसी समय रावण ने मामा मारीच को भेजा और जाकर के मामा मारीच सोने का मृग बना और राम जी को पता चला, जानकी जी ने देखा और कल जानकी जी का हरण की कथा हमने श्रवण की थी।